Hi friends, welcome to my channel. We started with the chapter Peripheral Devices from CS to 11th standard. We completed the basic part of peripheral devices and input devices. Next, we are about to start with output devices. तो हमारे कंप्यूटर से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है. तो हमने कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर पढ़ लिया है. नेक्स्ट थिंग जो हमें पढ़ना है दैट इज आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, दैट इज वीडियो एंड प्रिंटर. वीडियो मीन्स कहाँ से हमें स्क्रीन दिखाई देती है, दैट इज मॉनिटर. ओके, मॉनिटर एंड प्रिंटर ये हमें पढ़ना है. सो लेट्स सी, द फर्स्ट थिंग इज वीडियो और मॉनिटर. The video that is display on a computer is a primary output device. What do you mean by primary word here? Okay, primary means अगर आपको computer पर कुछ काम करना है, so this is the compulsory device that you should have to see the screen. Okay, so that's why it is known as primary device. The primary objective of the video board is to take information from CPU and display it on the monitor. तो monitor में जो video board है वो क्या करेगा कि वो CPU से information लेगा और monitor के screen पे दिखाएगा. This is the work of video board. Okay. Now let's see the number of older monitors. The first monitor was composite monochrome. Okay, composite monochrome, I hope you all are knowing that black and white. Okay, आपने सबसे सुना होगा कि पहले black and white screen था. Okay, screen में अगर colors कुछ भी रहने दो but screen में वो सिर्फ या तो black में दिखेगा या तो white में दिखेगा. Okay, so that is composite monochrome. Now the next one is composite color. It is enhanced than this black and white model. ओके, जो ये स्क्रीन था ब्लैक एंड वाइट का इससे बेटर था बट इट वाज आल्सो नॉट गुड. ओके, बट इट वाज शोइंग सम ऑफ द कलर्स. नेक्स्ट इज आरजीबी. इट वाज रियली गुड, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू. इसके कॉम्बिनेशन में जितने भी कलर्स थे वो स्क्रीन पे दिखाई देते थे बट द डिफरेंस इज कि कुछ लाइट है, डार्क है. ओके, नंबर ऑफ शेड्स आर देयर इन कलर्स, सो दैट इज नॉट इन दिस स्क्रीन. नेक्स्ट इज EGA मॉनिटर, दैट इज एनहांस्ड ग्राफिक एडाप्टर. ओके, सो ये जो मॉनिटर है इट इज़ बेटर देन रेड, ग्रीन एंड ब्लू. ओके, सो दिस वॉज, इसलिए इसके नाम में क्या है, ये एनहांस्ड टर्म है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट ड्राइव मोनोक्रोम. ओके, दैट डायरेक्ट ड्राइव TTL मोनोक्रोम, दैट इज ट्रांजिस्टर लॉजिक. तो एक ऐसा मोनिटर बनाया गया जिसमें ट्रांजिस्टर यूज किया गया था. ओके, सो दिस आर द सीरीज. नाउ वी आर हैविंग नंबर ऑफ डिफरेंट LCD, LED. ओके, नंबर ऑफ मॉनिटर्स आर देयर. सो दीज आर वेरी बेसिक. ओके, एट द टाइम व्हेन मॉनिटर स्टार्टेड. ओके, लेट्स मूव टू द वीडियो बोर्ड कैरेक्टरिस्टिक. जो वीडियो बोर्ड है जो डेटा CPU से कैच करके स्क्रीन पे दिखाएगा उसके लिए फीचर है रिजोल्यूशन. ओके, ये किसका फीचर है, वीडियो बोर्ड का. क्या है इसका मीनिंग, रिजोल्यूशन मीन्स व्हाट? रिजोल्यूशन ऑन अ वीडियो डिस्प्लेज अ नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डॉट्स दैट मेक द पिक्चर. सो इफ यू आर हैविंग वन स्क्रीन, ओके, तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस्ड विद नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन्स. ओके, तो जहां पे भी डॉट बन रहा है, ओके, ये सारे डॉट्स को ज्वाइन करके क्या बनता है, हमारा इमेज और पिक्चर. एग्जाम्पल, बेसिक रिजोल्यूशन इज 640x480, मीन्स इमेज इज 640 डॉट्स वाइड एंड 480 डॉट्स हॉरिजॉन्टल. मीन्स 640 डॉट्स यहाँ पे होंगे हॉरिजॉन्टली. ओके, बिकॉज इट इज वाइड. सो ऐसे अगर हम काउंट करेंगे सो 640 जो बेसिक हमारा रिजोल्यूशन था वो, एंड 480 वर्टिकली. ओके,
तो इतने डॉट्स अगर क्रॉस हो रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, स्क्रीन पे पिक्चर क्रिएट हो रहा है. ओके, एंड 480 डॉट्स हाई और रिजोल्यूशन मीन्स मोर डॉट्स ऑन स्क्रीन. अगर आपको आपके इमेज का रिजोल्यूशन बेटर चाहिए, व्हाट इज़ द मीनिंग, दैट इज यू शुड हैव बेटर रिजोल्यूशन, देन यू शुड हैव मोर डॉट्स ऑन द स्क्रीन. ओके, इट मीन्स वीडियो बोर्ड नीड्स मोर मेमोरी बट रिजल्ट इन एक्सीलेंट क्लैरिटी. मीन्स वॉट, अगर आपको रिजोल्यूशन बेटर चाहिए, यू शुड हैव मोर मेमोरी. इसलिए जो पहले के सिस्टम्स थे उसमें मेमोरी कम थी, इसलिए उसका जो रिजोल्यूशन था वो भी कम था. ओके, लेट्स मूव. वीडियो मॉनिटर कैरेक्टरिस्टिक्स. अब जो मॉनिटर है हमारा, स्क्रीन है, उस पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं. सो द फर्स्ट वन इज डॉट पिच. मोर रिजोल्यूशन मीन्स मोर डॉट्स ऑन स्क्रीन. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ डॉट ऑन द मॉनिटर इज द मॉनिटर्स डॉट पिच एंड इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर. सो आई विल शो यू. सो इफ यू आर हैविंग हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, दिस मेक्स रिजोल्यूशन. ओके, सो उसने कहा डिस्टेंस बिटवीन द डॉट, ये आपका क्या क्रिएट हो रहा है, डॉट, एक डॉट, ये सेकेंड डॉट. सो ये जो डॉट का सेंटर है, यहाँ से ये जो दूसरा सेंटर है, ओके, इन दोनों का जो मेजरमेंट है, क्लियर, ये जो लेंथ है, दिस इज नोन एज डॉट पिच एंड इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर. ओके, मल्टी सिंक, द एबिलिटी ऑफ मॉनिटर टू हैंडल मल्टीपल रिजोल्यूशन ऑटोमेटिकली इज कॉल्ड एज मल्टी सिंकिंग. मीन्स अगर उसके पास रिजोल्यूशन बहुत सारे हैं, ओके, लाइक वी हैव 640 बाय 480, ऐसे ही नंबर ऑफ रिजोल्यूशन अगर है तो हमारा स्क्रीन एक टाइम पे रिजोल्यूशन अगर चेंज करना है तो वो चेंज कर सकता है, दैट इज़ नोन एज मल्टी सिंकिंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल स्कैन फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल स्कैन फ्रीक्वेंसी. मॉनिटर वर्क्स बाय डायरेक्टिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट इनसाइड द स्क्रीन. मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर के पास एक वे है जिससे वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन में पास करता है. ओके, तो उसके अंदर फॉस्फोरस होता है जो ग्लो होने लगता है, एक्साइट हो जाता है, एक्साइट होकर वो ग्लो होता है, जिससे हमें पिक्चर ट्यूब के थ्रू इमेज हमारे स्क्रीन पर दिखाई देती है मॉनिटर के. ओके, सो इट्स अ प्रोसीजर. नाउ हॉरिजॉन्टल स्कैन फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द बीम स्वीप्स हॉरिजॉन्टली पर सेकेंड. ओके, तो हॉरिजॉन्टल स्कैन फ्रीक्वेंसी क्या है कि अगर आपका कोई स्क्रीन है, इफ आई एम हैविंग अ स्क्रीन, ओके, तो अगर उसमें नंबर ऑफ टाइम्स ये बीम हॉरिजॉन्टली स्वीप हो रही है, ओके, आ रही है बार बार, सो दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल स्कैन फ्रीक्वेंसी. तो ये कैसे काउंट होता है, पर सेकेंड वो कितनी लाइंस और कितनी बीम स्वीप हो रही हैं वो काउंट होता है. ओके, इट इज मेजर्ड इन हर्ट्स और किलो हर्ट्स. ये किस में मेजर होता है, हर्ट्स और किलो हर्ट्स में मेजर होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ बेसिक VGA हैज 480 लाइंस, VGA मीन्स विजुअल और वी कैन से वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, ओके, हैज 480 लाइंस एंड देयर इज 60 स्क्रीन्स पर सेकेंड. मीन्स वो कितना बीम्स आ रहा है, 60 आ रहा है पर सेकेंड में, 60 बीम्स स्वाइप हो रहा है. सो कितना हो गया, 480 इंटू 60, दैट इज 28,000 लाइंस पर सेकेंड वी आर गेटिंग इट ऑन स्क्रीन. सो दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल स्कैन फ्रिक्वेंसी. ओके, now let's see about the printer. We all are knowing that printer are used to take the print, so but we are not knowing these many printer, so we'll see some of them. Let's start printer. First of all, we are having partition in the printer, that is impact printer and non impact printer. Okay, impact printer means what, ki वो जो कॉन्टैक्ट होगा इंक और पेपर का कॉन्टैक्ट होगा, इसलिए दिस इज नोन एज इम्पैक्ट प्रिंटर. नॉन इम्पैक्ट मीन्स देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट बिटवीन पेपर एंड इंक, सो दिस इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. ओके, सो इम्पैक्ट प्रिंटर के टू टाइप्स, कैरेक्टर एंड लाइन प्रिंटर.
Dot matrix, daisy wheel, golf ball and cylinder printer is the type of character printer where you will get character by character. एक time पे सिर्फ एक ही character print होगा. Line printer, chain printer, band printer and drum printer. Okay, these three are line printer types. And non-impact is thermal, laser, inkjet, electrostatic and electrographic. These five are non-impact printer. So we'll see line printer, dot matrix, daisy wheel and laser inkjet. These five printers we'll see. Okay, so let's start one by one. Dot matrix printer. It is an example of impact printer. Impact means what? Isme paper or ink ka means you are getting impact of ink on the paper. Okay, so this is known as impact printer. Isme paper or ink ka contact ho raha hai. It is low cost but high speed and NLQ, that is neat letter quality, it is having. Okay, this speed, their speed usually range between 80 to 600 CPS. CPS means characters per second. So we can enter by this printers 80 to 600 CPS per second. The head moves across the paper selected pins against an ink ribbon to form a pattern of dots. This we will see with the structure. They are capable of printing with maximum speed, but printing quality is not good like other printer. ये तो maximum speed से तो हमें print दे सकता है, but the printing quality is not that much good, and it will give you your print in black and white format only. Okay, so let's see the diagram. See, the like printer you are having in bank for passbook entry. So such kind of printer is dot matrix printer. See the dots. Okay. So, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक हैमर लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो इस अल्फाबेट पे मीन्स विद दिस अल्फाबेट इट विल बी हैमर्ड ऑन द स्क्रीन. ओके, तो इससे क्या हो रहा है, वो इंक रिबन पे वो जा रहा है और इंक रिबन से वो ई प्रिंट हो रहा है. ओके, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स, सो दैट्स वाई it is known as dot matrix, matrix of dots. Okay, so that's why it is known as dot matrix. See, in such a way it is printed. Okay, now the next one, daisy wheel. It is type of impact printer. Isme bhi paper aur ink ka contact ho raha hai. Okay, so in every printer you have to write the line, that is it is impact printer or non-impact printer. Okay, it is like daisy flower, so the name is daisy wheel printer. जो इसका structure है ये कैसा दिखता है, daisy flower जैसा, इसलिए इसका नाम भी क्या है, daisy wheel printer. Printing arms appearing like petal of flower. तो उसके जितने भी printing arms है, like we are having arms for numbers, characters, okay, symbols. So all these arms are looking like petal of flower, daisy flower. Okay, it can operate at faster speed up to 90 CPS. So you can see कि इसका speed क्या है, max to max ये 90 CPS ही जा सकता है. Okay, the hub continuously rotating at higher speed and the hammer strike the appropriate character. तो ये जो hub है means ये जो petal of flower है, इसको इसको क्या बोला गया है, hub बोला गया है, hub of all pins or arms. Okay, तो ये इस तरीके से रोटेट होता रहता है जिससे जब भी हमें जो कैरेक्टर प्रिंट करना है वो फटाफट हैमर के थ्रू स्ट्राइक कर सके ऑन स्क्रीन. ओके, सी दिस, ये पूरा एक डेजी फ्लावर इन होल सर्कल, वी आर हैविंग अल्फाबेट, नंबर, सिंबल, एवरीथिंग वी आर हैविंग. ओके, सो दिस इज नोन एज हब ऑफ आर्म्स और हब ऑफ पिंस. तो ये एज अ हैमर ट्रेट होगा जो इंक रिबन पे स्ट्राइक होगा और उसका अल्फाबेट हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा लाइक दिस. सी, ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज हब ऑफ पिंस. ओके, सो दिस विल गिव यू द स्ट्रक्चर लाइक दिस. तो इसमें क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन ये क्या होगा, इसमें 90 कैरेक्टर्स पर सेकेंड ही मैक्स टू मैक्स हम प्रिंट कर सकते हैं. ओके, नाउ लाइन प्रिंटर. It is type of impact printer.
इट प्रिंट्स होल लाइन एट अ टाइम। तो ये क्या है, ये भी एक टाइप है इम्पैक्ट प्रिंटर का, जिसमें हम एक टाइम पे एक लाइन पूरा एक साथ में टाइप कर सकते हैं। और अभी तक हमने जो पढ़ा था वो कैरेक्टर्स थे, सो वहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर टाइप हो रहा था, बट दिस इज लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर यूज रैपिडली मूविंग चेन ऑफ बैंड ऑफ प्रिंट कैरेक्टर्स और सम फॉर्म ऑफ प्रिंट ड्रम्स टू प्रिंट लाइन इंफॉर्मेशन। तो लाइन प्रिंटर क्या करता है कि इसमें एक पूरी चैन रहती है, ओके, और वी कैन से देयर इज अ बैंड ऑफ कैरेक्टर्स जो हम जैसे भी प्रिंट करना है वो उस प्रिंटिंग ड्रम के थ्रू प्रिंट हो रहा है। सो इट कैन बी बाय ड्रम्स और लाइन, ओके, मींस इट कैन बी लाइक चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर जो हमने पढ़ा ना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज मूविंग लाइक चैन और बैंड और ड्रम, ओके। सो दिस इज नोन एज लाइन प्रिंटर, कि इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर है और इसमें एक टाइम पे पूरा लाइन एक साथ में हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ओके। सी दिस वी आर हैविंग। तो इसमें जब पेपर जाता है तो वो कहीं पे चेंज नहीं करता प्लेस, वो डायरेक्टली पेपर इसी डायरेक्शन में बाहर आता है, ओके, लाइक टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहा है वो, बस पेपर अगर है तो बस पेपर इसी डायरेक्शन में टू अपवर्ड साइड में बाहर आएगा। सो एट अ टाइम होल लाइन इज गेटिंग प्रिंटेड ऑन द पेपर, ओके। सो दिस इज लाइन प्रिंटर। सी दिस बंच ऑफ पेपर, इफ यू वॉन्ट टू सी द लाइन प्रिंटर ऑन रेलवे टिकट काउंटर, इफ यू आर गेटिंग टिकट, सो दैट इज बिकॉज ऑफ लाइन प्रिंटर, ओके। सो आप अगर देखोगे तो वहाँ पे भी यही ऐसे ही बंच ऑफ टिकट्स रखी रहती है वेकेंट, और प्रिंट होके एक एक टिकट बाहर आती है, ओके। सो यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ रेलवे टिकट काउंटर फॉर टिकट, ओके। नेक्स्ट वन इज इंकजेट प्रिंटर, इट इज टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो हियर इज द डिफरेंस दैट इट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन पेपर एंड द इंक। An inkjet printer produces character by spraying small ink droplets onto paper, hence called as non-impact printer. तो यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ये प्रिंटर में जो भी कैरेक्टर्स हमें प्रिंट करने हैं वो कैसे होते हैं, एक इंक ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो स्प्रे होते हैं, लाइक वी आर स्प्रेइंग, ओके। तो हम अगर जैसे किसी भी चीज़ से स्प्रे कर सकते हैं, सेम लाइक उसमें इंक स्प्रे होता है ऑन पेपर, बट इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, ओके, ऑन टू द पेपर, पेपर पे स्प्रे होता है, एंड दिस इज इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बिकॉज यहाँ पे स्प्रे होता है, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पेपर एंड इंक। देयर इज इलेक्ट्रिकल जनरेटर विच कॉजेज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल टू वाइब्रेट एंड थ्रोज इंक ड्रॉपलेट्स सप्लाइड फ्रॉम रिजर्वॉयर, ओके। सो एज द नेम इंक जेट, तो इसमें एक जेट है जो आपको स्प्रे करके देगा इंक, और उस जेट में कहाँ से जा रहा है इंक, फ्रॉम रिजर्वॉयर, ओके, जहाँ पे मतलब इंक भरा हुआ है। सो देयर इज इलेक्ट्रिकल जनरेटर, वो क्या क्रिएट करेगा, एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगा इंटरनली, वो क्रिस्टल्स में वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, एंड वो इंक को स्क्रीन पे फिर थ्रो करेगा फ्रॉम रिजर्वायर, ओके, वहाँ से वो इंक लेगा और इट विल थ्रो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन, ओके। इट कैन हैव कलर प्रिंटिंग ऑल्सो, तो इसमें क्या है, कलर प्रिंटिंग भी है इंकजेट में, यू आर हैविंग कलर प्रिंटर, कलर प्रिंटिंग ऑल्सो। So inkjet printer provide a software through which you can arrange different properties like paper size, printing mode. Okay, so inkjet printer में like हमें horizontal में हमें print करना है और vertical print करना है, okay, margin कितना छोड़ना है, उसमें margin कितना रखना है, paper का size A4 है, A3 है, legal है, everything we can manage with this inkjet printer. ओके, इसमें ये सारी सेटिंग्स है जिसके थ्रू हम पेपर को मैनेज कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए, ओके। सो दिस इज इंकजेट प्रिंटर, सी दिस आर द प्रिंटर, यहाँ पे ये क्या है, कलर्स हैं, रिजर्वायर, सी दिस, यहाँ पे कलर फिल किया रहता है एंड
थ्रू द जेट इट इज गेटिंग ऑन द पेपर. ओके, जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से वो स्क्रीन पे फिर आ जाता है. ओके, नाउ द लास्ट वन इज लेजर प्रिंटर. इट इज हाई स्पीड हाई क्वालिटी एंड टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इसका क्वालिटी और स्पीड दोनों भी हाई है. ओके, क्योंकि ये एनहांस्ड प्रिंटर है एंड इट इज नॉन इम्पैक्ट. इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है. इट यूजेस लेजर जीरो ग्राफिक प्रिंट मैकेनिज्म. इसका मैकेनिज्म का नाम क्या है? जीरो ग्राफिक प्रिंट मैकेनिज्म बाय लेजर. ओके, यहाँ पे लेजर लाइट यूज होता है. इट यूजेस अ लेजर प्रोड्यूस्ड लाइट टू चार्ज फोटो कंडक्टिव सरफेस. तो जिस सरफेस पे हमारा पेपर जाने वाला है, ओके, उस सरफेस का नाम क्या है? फोटो कंडक्टिव सरफेस, जिस पे लेजर लाइट पास होने वाली है. ओके, तो लेजर लाइट जो वहाँ पे पास होगी वो चार्ज होगी किसके थ्रू? सॉरी, लेजर लाइट जब पास होगी तो वो फोटो कंडक्टिव सरफेस जो है वो आपका चार्ज होगा. ओके, आपके प्रिंटर का. सो इन लेटेंट इमेज ऑफ कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड. तो वो जो लेजर लाइट जब पास हो रही है, पूरा एरिया जो वहाँ पे है वो क्या है? इट इज़ वेरी मच डार्क. ओके, तो जैसे ही लेजर लाइट पास होगी वो सरफेस चार्ज होगा और वो लेटेंट इमेज ऑफ कैरेक्टर प्रिंट होगा. मीन्स उस अंधेरे में, उस जो डार्क में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो उस पेपर पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे बाय द प्रिंटिंग मैकेनिज्म. ओके, तो बस आपको इतना समझना है कि वो जो एरिया है फुल ऑफ डार्क है और जो सरफेस है दैट इज फोटो कंडक्टिव सरफेस. तो वो चार्ज कैसे होता है? इट इज चार्ज थ्रू लेजर लाइट, और जिसके थ्रू वो सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रिंटिंग पेपर पे आ जाते हैं. इन लेजर प्रिंटर द इमेज ऑफ पेज टू बी प्रिंटेड इज फॉर्म्ड ऑन द फोटो सेंसिटिव ड्रम. ओके, तो इसमें क्या रहता है? जो भी इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पे फॉर्म होगी? फोटो सेंसिटिव ड्रम पे. द फोटो सेंसिटिव ड्रम एक्ट एज एन इंसुलेटर इन डार्क. वो जब डार्क रहेगा तो वो क्या रहता है? इट इज एज एन इंसुलेटर. ओके, और जैसे ही लेजर लाइट पास होगा वो चार्ज हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स प्रिंटिंग. ओके, सो दिस पॉइंट्स आर रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट. द चार्ज्ड इमेज ऑन ड्रम इज लिंक्ड यूजिंग ब्लैक पाउडर. तो जो चार्ज्ड इमेज है वो क्या है? वो लिंक हो रही है किससे? ब्लैक पाउडर से. ओके, इमेज क्या प्रिंट करना है? वो लेजर लाइट के थ्रू जब आ रहा है ड्रम पे, तो चार्ज होने के बाद वो क्या यूज कर रहा है? ब्लैक पाउडर विच इज कॉल्ड एज टोनर. आपने देखा होगा प्रिंटर में एक टोनर रहता है, ब्लैक कलर का पाउडर रहता है जो आपके पेपर पे आता है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स. एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिकली द इमेज इज ट्रांसफर्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर. तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली मीन्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो जो भी आपका इमेज में डेटा होगा वो सब उस पेपर पे ट्रांसफर हो जाता है. ओके, एंड फाइनली पेपर कम्स आउट. द पाउडर्ड इमेज ऑन पेपर इज प्रेस्ड विथ हीट टू मेक इट परमानेंट ऑन पेपर. तो जो पाउडर्ड इमेज है, जिसका इमेज कैच हुआ था, ओके, लेटेंट इमेज जो था, जो उस ड्रम पे से कैच हुआ था, इमेज फोटो सेंसिटिव ड्रम पे से जो कैच हुआ था, वो बाय यूजिंग हीट उस पेपर पे परमानेंटली प्रेस कर दिया जाता है विद द मैकेनिज्म. ओके, तो उस पेपर पे पूरा डेटा जो भी होगा वो प्रेस हो जाएगा एंड वो फिक्स्ड हो जाएगा विथ हीट जब भी. इसलिए आप लेजर प्रिंटर मींस एनी काइंड ऑफ जेरोक्स विच यू आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड. ओके, सो आप कुछ बल्क में जेरोक्स ले रहे हो तो आपने देखा होगा वो पेपर्स बाद में बहुत हीट रहता है उस पेपर में. क्यों रहता है? बिकॉज इन दिस मैकेनिज्म लास्ट में जब भी वो कैरेक्टर्स पेपर पे जा रहे हैं उस टाइम पे बाय यूजिंग हीट उस कैरेक्टर्स को पेपर पे प्रेस किया जाता है टू मेक इट परमानेंट. ओके, सो दिस इज द वे हाउ लेजर प्रिंटर वर्क्स. एडवांटेजेस क्या हैं इसके? इट ऑफर्स हाई क्वालिटी प्रिंटिंग इन टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स. तो इसका क्वालिटी तो बहुत हाई रहता है. इट ऑफर्स वाइड सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स लाइक फॉन्ट, प्रिंटिंग क्वालिटी, मोड एंड सॉफ्टवेयर
अंडर सॉफ्टवेयर कंट्रोल. सो इसमें नंबर ऑफ कंट्रोल्स आर देयर जिसको यूज़ करके हम अपना प्रिंटिंग और भी एक्स्ट्रा और डिफरेंट वे में जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं. वी कैन टेक बड़े पेपर का छोटा छोटा प्रिंट भी हम लोग ले सकते हैं या छोटे पेपर का बड़ा प्रिंट भी ले सकते हैं. ओके, सो दीज आर द बेनिफिट और वी कैन से सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स. प्रिंटिंग रेट इज हाईएस्ट, इट इज 10 to 200 PPM. ओके, PPM means pages per minute. So 10 to 200 pages per minute it can print. And फिर इसमें problem क्या है? Initial cost and cartridge cost is high. जिसमें toner भरा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? Cartridge. तो उसका cost बहुत ज़्यादा है और ये जो printer है इसका भी cost बहुत ज़्यादा है. Multiple carbon copying is not possible. तो इसमें multiple अगर carbon copy हमें चाहिए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड कलर प्रिंटिंग इज़ नॉट पॉसिबल. इसमें सिर्फ आप ब्लैक एंड वाइट ही निकाल सकते हो. ओके, तो अगर आप लेज़र प्रिंटर के थ्रू आप कलर प्रिंटिंग के लिए ट्राई करोगे तो वो नहीं होगा. ओके, सो दिज आर द थिंग्स विथ लेज़र प्रिंटर. सी द स्ट्रक्चर, सच स्ट्रक्चर आपने ये सब स्ट्रक्चर देखा होगा. ये देखो, ये मैकेनिज़म है जिसके थ्रू वी आर सेटिंग द पेपर. ओके, और यहाँ पे पेपर रखना है एंड इफ़ यू वांट इन बल्क वी हैव टू कीप इट हियर. ओके, सो दिस इज लेज़र प्रिंटर. सी, ये छोटे में भी लेज़र प्रिंटर. ओके, जिसको आप घर में भी रख सकते हो. सो हियर वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक दैट इज़ आउटपुट डिवाइसेस. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट विथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड ड्राइव. इन दिस पहले हमने इनपुट डिवाइस पढ़ा, फिर सिर्फ आउटपुट पढ़े और अब नेक्स्ट होगा इनपुट आउटपुट बोथ. ऐसे डिवाइस जो इनपुट का भी काम करते हैं एंड दे कैन यूज एज आउटपुट ऑल्सो. ओके, सो ऐसे डिवाइस और ड्राइव्स हमें पढ़ने हैं इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल दैट टाइम प्लीज़ कंप्लीट दिस टॉपिक properly. Okay, and if you are facing any kind of doubt, so please mention through comment or through email. Okay, thank you class.